हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वीडियो में जो आपको ये येलो कलर का फ्लावर दिखाई दे रहा है, ये है पर्सलेन का। और आपके सामने मैंने वीडियो शेयर किया था कि मैंने पर्सलेन की और पोर्चुलाका की कटिंग कर दी थी। तो जब हम अपने पेड़ पौधों को इतना अच्छे से पालते हैं तो उन्हें काट कर फेंकने में भी बड़ा दुख लगता है। तो मैंने क्या किया था, कुछ तो ये पानी में कटिंग्स रख दी थी, क्योंकि लगाने का भी मेरे पास टाइम नहीं था। और ये तो पानी में रखी हुई हैं छोटी छोटी कटिंग्स, और बाकी का भी मैंने फेंका नहीं, ऐसे डब्बे में भर के रख दिया था कि किसी को चाहिए होगा तो दे दूँगी। लेकिन ये देखिए, ये इसमें फूल खिल रहा है, ना इसमें पानी है और ना ही इसमें मिट्टी है, बट ये फूल खिल के आ रहा है। देखिए क्या कुदरत का करिश्मा है। कई बार तो गर्मी में भी फूलों की शक्ल देखने को नहीं मिलती, और अब देखिए यहाँ अब सर्दी भी स्टार्ट हो गई है और तबीयत भी थोड़ी ख़राब है। आवाज़ में भी फ़र्क आपको महसूस हो रहा होगा, कोल्ड कफ़ और फीवर भी हो गया था। तो अब देखिए ये फूल खिल रहा है, बिना उसके हवा में खिला पड़ा, बिना पानी बिना मिट्टी के, और इतना क्यूट लग रहा है, कलर ही इतना प्यारा है इसका। तो आज की वीडियो में मैं जो शेयर करने वाली हूँ, गुलाब के पौधे जो है हमारे सर्दियों में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं, और उनको मैंने कटिंग भी कर दिया था। आप लोगों ने भी ये सब काम कर लिए होंगे और फर्टिलाइज़ भी कर दिया था, लेकिन आज फिर से मैं उन्हें फर्टिलाइज़ करने जा रही हूँ। तो सोचा छोटी सी एक वीडियो आपके साथ शेयर कर लूँ। तो इसके लिए मैंने जो खाद तैयार की है, ये वुडन बॉक्स है, इसमें मैं तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए, ये है वर्मी कंपोस्ट, और ये थोड़ी सी है किचन वेस्ट कंपोस्ट, और एक दो चम्मच मैंने राख भी ली है। राख ज़्यादा नहीं लेनी है, क्योंकि गुलाब को एसिडिक सॉइल पसंद है और ये उसको अल्कलाइन बना देगी अगर ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये बिल्कुल थोड़ी सी ले ली है ताकि फंगस वगैरह से और कीड़े मकोड़ों से बचे रहें। और ये है बोन मील, जो कि मेरे पास पहले नहीं था, तो मैं अंडे के छिलके इस्तेमाल कर रही थी, और ये काफ़ी अच्छी मात्रा में मैंने ले लिया नीम की खली, क्योंकि ये फर्टिलाइज़र का भी काम करती है, तो ये बहुत ज़रूरी है गुलाब के लिए। और ये है चाय की यूज्ड पत्ती, जिन्हें मैं हमेशा अपने गार्डन में धो धो के अच्छे से सुखाती रहती हूँ, और हमेशा ही मिलेंगी मेरे गार्डन में पड़ी हुई, क्योंकि मैं पौधों में इन्हें यूज़ करती हूँ, कभी भी एक ज़रा सी भी नहीं फेंकती। फेंकने से क्या है, अगर ये काम वाली वगैरह काम करती हैं तो ये ऐसे नाली में बहा देती हैं, नालियाँ भी ब्लॉक हो जाती हैं और ये वेस्ट ही होती है। तो इनको फेंकने के बजाय छाननी में इकट्ठा करके धो लें और इस तरह से अपने गार्डन में सुखा लेंगे, तो गुलाब के लिए तो बेस्ट रहती है और बाकी पौधों के लिए भी अच्छी रहती है। जो लीफी प्लांट्स हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि इसमें भर भर के नाइट्रोजन होता है। और अगर आप यूज्ड चाय पत्ती नहीं इस्तेमाल करते हैं, तो थोड़ी मात्रा में फ्रेश जो चाय के पत्ते उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर यूज्ड है तो उसको ज़्यादा मात्रा में भी कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होता। और ये थोड़ा सा मैंने इसमें फंजीसाइड भी मिलाया था, ये मिक्स हो गया नीचे ये, तो ये सब मिला के मैं गुलाब में गुड़ाई करके अभी आपके सामने शेयर करती हूँ किस तरह से मैं फर्टिलाइज़ कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा फ्रंट गार्डन, और इधर मैंने वॉल के ऊपर, जो बाउंड्री वॉल है वेड़े की, इसके ऊपर मैंने गमले रखे हुए हैं, सभी जिस धूप के हिसाब से रखे हुए हैं। यहाँ पर हल्की हल्की धूप आती है, तो यहाँ पर मैंने गुलाब के भी रखे हुए हैं। एक ये बड़ा गमला है, काफ़ी बड़ा है, और ये पुराना गुलाब का पौधा है मेरा, और एक ये वाला है जिसको मैंने रिपॉट किया था, और एक इधर दूसरी साइड है ये वाला। तो ये दोनों एक साथ में थे, तो मैंने इनको सेपरेट सेपरेट करके अलग अलग गमलों में लगा दिया था, और इनको मैं पहले जब मैंने रिपॉट किया था तब वीडियो भी शेयर किया था और इनको फर्टिलाइज़ भी कर दिया था। तो आज फिर से इनकी गुड़ाई कर रही हूँ। गुलाब का पौधा हो या कोई भी पौधा हो, उसको साइड से इस तरह से अच्छे से गुड़ाई कर लें, किसी शार्प टूल से या फिर खुरपी की सहायता से, और मिट्टी को हटा के और थोड़ा सा गड्ढा बना के तभी फर्टिलाइज़ करें तो अच्छा रहता है। धीरे धीरे फर्टिलाइज़र कंपोस्ट जो भी डालते हैं आप, वो जड़ों को धीरे धीरे मिलता रहता है पानी के साथ सचा के, और इस तरह से गड्ढा करके डाल के फिर उसके ऊपर से मिट्टी डालते हैं। ऊपर ऊपर डालने से क्या है कि कई बार ही जैसे बारिश आ गई या कुछ हो गया, तो जड़ों तक पहुंचने के बजाय वो वेस्ट हो जाता है और बारिश में धुल जाता है, बह जाता है, और जड़ों को भी अच्छे से मिल नहीं पाता। तो मैं तो इसी तरह से करती हूँ, और उम्मीद है आप ही लोग भी इसी तरह से करते होंगे। और इसके बाद में मैं इन्हें पानी दे दूँगी इसी तरह से बाकियों को भी। और देखिए, इसकी तो ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो गई, इसमें कलियाँ बन गई हैं, तो
अभी इसको और फर्टिलाइज़ करने के बाद में बहुत अच्छे बंचेज में फ्लावर्स लगेंगे इसमें। हो सकता है आपको दिखा पा रहे होंगे, मैं इसकी बर्ड्स दिखाई दे रही होंगी और काफ़ी सारी बर्ड्स लगी हुई हैं। देखिए, और ठीक इसी तरह दूसरों को भी मैं इस तरह से खुदाई करके साइड साइड से, जड़ों के पास नहीं, थोड़ा सा जड़ों के दूर, जड़ें भी नहीं हिलनी चाहिए, और यहाँ से मिट्टी हटा के इस तरह से इसमें फर्टिलाइज़र डालते जाएंगे। और मिट्टी भी सूखी होनी चाहिए, एकदम गीली मिट्टी में कभी फर्टिलाइज़र ना दें, क्योंकि फिर पानी भी दोगे और ज़्यादा ओवर वाटरिंग हो जाएगी फिर। तो इस तरह से मिट्टी से ढक देंगे इसको, और इसी तरह मैं तीसरे गमले में भी कर लूँगी और फिर इसके ऊपर से पानी डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स, क्योंकि गुलाब जो है हैवी फीडर होता है और सर्दियों में तो ये भर भर के फ्लावरिंग करता है, तो ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए तो इन्हें ज़्यादा एनर्जी की भी ज़रूरत होती है, और क्योंकि ये हैवी फीडर होता है तो इसको ज़्यादा खाद की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी टाइम टू टाइम 15 दिन 20 दिन में और कम से कम एक महीने में तो करना ही पड़ता है। और बाकी ये मैंने इनको सॉलिड फर्टिलाइज़र दिया, और अब इसमें हल्दी का यूज़ भी कर सकते हैं, 1/4 चम्मच हल्दी डाल दें। और अगर आप कैल्शियम के लिए आपके पास में कुछ नहीं है तो आप इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर बना के कैल्शियम के लिए इसको दे सकते हैं, और कोई नुकसान नहीं होता, कोई फंगस नहीं लगते। तो मैं भी कभी कभी इस तरह इस्तेमाल करती हूँ घर में ही, हमारे मसालों में इनके लिए बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, और भी पौधों को काफ़ी सारी चीज़ें हमारी किचन से ही निकल जाती हैं। वैसे भी हम अपना जो दाल का पानी और चावल का पानी, आलू बॉयल करते हैं उसका पानी, छिलकों का पानी, ये सब भी टाइम टू टाइम देते ही रहते हैं। तो गुलाब को तो वैसे भी बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो इसलिए इनको देते ही रहना चाहिए। और इसमें गुलाब में फंगस बहुत जल्दी से लग जाती है, जिससे बचाने के लिए या तो हल्दी पाउडर डाल लें, मैंने इसमें फंजीसाइड भी डाला है, और कभी कभी नीम ऑयल का छिड़काव वैसे ही कर दें। ज़रूरी नहीं कि कोई कीड़ा मकोड़ा दिखाई दे तभी करें, 15 दिन 20 दिन में कभी भी अपने पौधे पे नीम ऑयल का स्प्रे कर दें। और अगर नीम ऑयल नहीं है तो नीम के पत्तों को उबालकर उसका पानी बना के स्प्रे कर सकते हैं, या फिर सोप का पाउडर, सोप का पानी अपने स्प्रेयर में मिला के और वो भी छिड़क सकते हैं, और उसके बाद साफ़ पानी से धो सकते हैं थोड़ी देर के बाद में। और खाली पानी भी अगर आप इसका 1-2 दिन में स्प्रिंकल करेंगे तो भी ये बिल्कुल स्वस्थ रहता है, पत्ते भी साफ़ रहते हैं। पत्ते साफ़ रहना भी बड़ा ज़रूरी है फंगस से बचाने के लिए, और धूप मिलनी तो इनको बहुत ज़रूरी है ही। हालाँकि हमारे दिल्ली में बहुत हल्की हल्की धूप मिल रही है आजकल पौधों को, और डर यही रहता है कि फंगस लग जाएगी या कुछ, तो इन्हीं के ट्रीटमेंट में हम लोग लगे रहते हैं और खूब देखभाल करते हैं अपनी तरफ से। तो फिर भी कभी कभी कोई ना कोई प्लांट तो ख़राब हो ही जाते हैं, और मेरे ये सभी प्लांट आपको दिखेंगे बहुत स्वस्थ हैं और बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं, और मैं मग से भी पानी छिड़कती रहती हूँ और स्प्रेयर से भी। तो इस तरह से कभी कभी मैं पाइप से दूर से इनके ऊपर छींटा मार देती हूँ, तो फिर ये बिल्कुल साफ़ रहते हैं पत्ते और एकदम चमकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इन तीनों प्लांट्स को तो मैंने फर्टिलाइज़ कर दिया है, और सबको एक ही साथ में पानी डालूंगी मैं। और फ्रंट गार्डन में यही 3 प्लांट है मेरे गुलाब के, और मैंने कटिंग भी लगाई थी, वो भी आपको शो करती हूँ। मैं हमेशा अपने गार्डन में कोई ना कोई कटिंग लगा के रखती हूँ। ये देखिए, ये हाइब्रिड गुड़हल की भी लगाई है मैंने अभी 2-4 दिन पहले ही, और ये मैंने दिखाया है, या पर्सलिन की पानी में लगी हुई हैं, इधर ये कोलियस की लगी हुई हैं, और आप ये देख पा रहे होंगे ये गुलाब की कटिंग है। मैंने ही अपने गुलाब की जब कटिंग की थी तो लगाई थी, और ये देखिए न्यू ग्रोथ भी आई हुई है इसकी, और ये मैंने सैंड में लगा रखे हैं बिल्कुल ऐसे। तो देखते हैं ये चलेगा तो फिर इसको भी शिफ्ट कर दूँगी। देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ तो हो गई है, हालांकि कटिंग जो है काफ़ी पतली थी, बट मैं ट्राई करती रहती हूँ, कभी कभी पतली कटिंग्स भी लग जाती हैं, खाली मोटी कटिंग नहीं। और ये देखिए 2 कटिंग लगी हुई हैं, दोनों की ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। तो उम्मीद है इनको मैं शिफ्ट कर लूँगी, ये और अच्छे से ग्रोथ जब हो जाएगी तो और 2 प्लांट्स मेरे तैयार हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब आ गई हूँ मैं अपने मेन गार्डन में, और यहाँ पर भी मेरे 2 गुलाब के प्लांट रखे हुए हैं। ये देखिए, ये वाला कश्मीरी रोज़ है, ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है, तो इसको भी मैंने पहले फर्टिलाइज़ किया था, लेकिन आज फिर से इसको मैं फर्टिलाइज़ करने वाली हूँ, जो मिक्सर मैंने सबके लिए तैयार किया। और ये देखिए, ये भी मेरी कटिंग्स लगी हुई हैं, ये तो हमेशा मिलेंगी मेरे गमले में लगी हुई कहीं ना कहीं पर, तो इसको भी मैं इसी तरह से फर्टिलाइज़ कर देती हूँ।
इसकी भी मिट्टी हटा के मैंने अच्छे से इसको भी फर्टिलाइज़ कर दिया है। और इसमें मैं आज पानी नहीं डालूंगी, इसमें मैं कल पानी डालूंगी, क्योंकि इसकी मिट्टी हल्की नम दिखाई दे रही है और धूप तो आपको पता है मेन गार्डन में मेरे आती बहुत कम है। और लास्ट जो प्लांट, पाँचवा प्लांट है, वो भी शो करती हूँ। ये है मेरा लास्ट प्लांट गुलाब का, और ये बिल्कुल देखिए सड़क के पास ही रखा हुआ है। जब इसमें फूल लगते हैं तो लोग ले भी जाते हैं तोड़ के, और अभी तो इसमें फूल नहीं लगे हुए। और आपको पता है मैंने ये प्लांट इससे अलग किया था, ये भी इसी में लगा हुआ था स्नेक प्लांट, और अभी फिर से पता नहीं क्या, एक करेला हो गया क्या हो गया, इसको भी निकाल लूँगी मैं, तो इसमें भी इसी तरह से फर्टिलाइज़ कर दूँगी। और आज इसको भी मैं पानी नहीं दूँगी क्योंकि इसमें भी नमी बनी हुई है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही शेयर करना था कि गुलाब के पौधे को अपने एनर्जी देने के लिए, सर्दियों में फूल लेने के लिए किस तरह से फर्टिलाइज़ करना है। तो मैं तो इसी तरह से फर्टिलाइज़ करती हूँ। आपकी कोई राय है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।